हेलो टाइपोग्राफी स्टूडेंट्स, आज फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ आपकी मैम आपके साथ हैं। चलिए बताते हैं आज आपको, आज हम क्या नया सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में। यस, स्टार्ट आवर लर्निंग। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू फीचर दैट इज फॉर्मेट पेंटर। अब देखें, मैंने आपको ये फीचर्स डिस्कस करने के लिए एक एग्जिस्टिंग फाइल को मैंने ओपन किया है। चलिए डिस्कस करते हैं इन ऑप्शंस को वन बाय वन। दिस इज द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, यू कैन सी हियर, दिस इज द फॉर्मेट पेंटर। नाउ व्हाट्स द यूज ऑफ दिस ऑप्शन? सम टाइम यू नीड कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे मैंने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, सेम फॉर्मेटिंग मुझे नेक्स्ट किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को बड़े इजीली उस फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज कर सकती हूँ। अब देखिए किस तरह से, आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सपोज ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैं इसको जो साइज है वो इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने इंक्रीज कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा और चेंजेस करती हूँ इसमें, इसका कलर भी प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। चलिए एक और काम करते हैं, यहां से मैं इसको इसका फॉन्ट देती हूँ, ये लीजिए स्पेशल फॉन्ट मैंने अल्जीरियन इसको दिया। अब देखिए ये मेरा टेक्स्ट जो आप देख रहे हो, ये फॉर्मेट कर दिया है मैंने, कुछ ऑप्शंस को यूज किया मैंने इसमें, कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स को यूज करके मैंने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया। अब देखिए मैं इस वाले लाइन को सेम, ये वाला टेक्स्ट मैं फोर्थ जो पॉइंट है इसको मैं सेम इसी तरह से फॉर्मेट करना चाहती हूँ। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आपको या तो ये कंप्लीट लाइन सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। आपने क्लिक किया, अब आपका जो फॉर्मेट जो है वो क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है, ये जो फॉर्मेटिंग थी ये उस मेमोरी में अब कॉपी हो चुकी है। अब कॉपीड को हमें क्या करना है, उस कॉपीड फॉर्मेट को कॉल करना है। कॉल करना है वो बहुत ईजी है, आपको सिंपल इस पर्टिकुलर पॉइंटर को आपने क्या करना है, प्लेस कर देना है सेलेक्ट करते हुए टेक्स्ट को इस तरह से। देखिए मुझे ये पूरी लाइन क्या करनी है, ये फॉर्मेट करनी है, लीजिए हो गया। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को रिलीज करेंगे ड्रैग करते हुए, एकदम से आपको सेम फॉर्मेट नजर आएगा। तो ये थी फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के थ्रू फॉर्मेटिंग। अब आपने एक चीज नोटिस की, जैसे ही आप फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, दोबारा करते हैं, देखिए फॉर्मेट पेंटर जो हमारा माउस पॉइंटर है उसकी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ब्रश में चेंज हो जाती है, एक आई बीम उसके साथ जो है अटैच हो जाता है और एक ब्रश आपको नजर आती है। तो इस ब्रश को आप जहां पे भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे इस ब्रश से क्या होगा, वो टेक्स्ट हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये थी फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के थ्रू फॉर्मेटिंग को किस तरह से अप्लाई करें कॉपी करके। अब एक और चीज, सपोज आपने इस फॉर्मेट को यहां से कॉपी किया फॉर्मेट पेंटर से, अब देखिए हमारा फॉर्मेट पेंट हो गया है। अब हम इसको चाहते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट वापस, मतलब हम कहीं अप्लाई नहीं करना चाहते, इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है। आप देखिए एस्केप प्रेस करते ही हमारा ब्रश सिंबल जो है अगेन पॉइंटर में चेंज हो जाएगा, ये देखिए यस, तो फॉर्मेट हमारा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने एस्केप की को प्रेस किया और मेरा फॉर्मेट रिजेक्ट हो गया। अब मैं सेलेक्ट करूंगी तो नॉर्मल ये हमारा टेक्स्ट जो है फॉर्मेट नहीं हुआ।
अब देखिए नेक्स्ट फीचर है हमारे, इस ऑप्शन में आप ऑफिस टैब पे क्लिक कीजिए, ऑफिस टैब में आप प्रिंट ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये है प्रिंट ऑप्शन, मींस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। अब इसमें आपको थ्री ऑप्शंस नजर आ रही हैं, वन इज फॉर प्रिंटिंग, सेकंड वन इज फॉर क्विक प्रिंटिंग एंड थर्ड वन इज फॉर प्रिंट प्रीव्यू। चलिए देखते हैं ये क्या है तीनों ऑप्शंस। प्रिंट क्या है, सबसे पहले प्रिंट, प्रिंट क्या है, आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है प्रिंट ऑप्शन को। अब देखिए प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है, ये डिस्प्ले हो जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट्स इन दिस डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द आपका क्या है, नेम कि किस में आप प्रिंटिंग ले रहे हैं, विंडोज 10 मेरा जो है इसमें है। इसके बाद पेज रेंज, किस पेज की आपको प्रिंटिंग लेनी है। अगर आप ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं मींस जितने पेज थे आपकी फाइल में 10, 20, 30 वो सारे प्रिंट होंगे वन बाय वन। फिर अगर आप करंट पेज को सेलेक्ट करते हैं तो जो जहां पेज अभी अभी आपका जो पेज सेलेक्ट था फाइल में, फोर्थ था, फिफ्थ था, सेकंड था, जहां आप कर्सर था वही वाला पेज आपका प्रिंट निकलेगा। उसके बाद है पेजेस, आपको कुछ पेजेस बीच में प्रिंट करने हैं, लाइक आपको 3 to 5 पेजेस करने हैं, 7 to 8 पेजेस करने हैं, 7 to 10 करने हैं, तो एक रेंज अगर आपको देनी है तो आप यहां से पेजेस लेंगे। पेजेस कौन कौन से, कौन कौन से, अगर आपको रेंडर लेने हैं तो आप कॉमा से सेपरेट कीजिए, अगर आपको कोई रेंज लेनी है तो जैसे 5 to 12 इस तरह से डाल सकते हैं, रेंडम लेने हैं तो 1, 3, 7, 8 कॉमा से सेपरेट करते हुए आप लिस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि 1, 4, 7। तो अब इस टाइम पे प्रिंटिंग कौन सी होगी, पहले फर्स्ट पेज की, फिर फोर्थ पेज की और फिर सेवेंथ पेज की प्रिंटिंग होगी। अब चलिए थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, ये जो कॉपीज, यहाँ पे कॉपीज की ऑप्शन बनी हुई है। समटाइम क्या होता है कि हमें हमारे नोट्स थे, सपोज ये मेरी नोट्स की ही वर्कशीट है और इसके मुझे 10 कॉपीज निकालनी है, ठीक है, और हर वर्कशीट में अपने आप में 4 पेजेस हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस फाइल की आपको कितनी कॉपीज निकालनी है। सपोज मुझे यहाँ पे 10 कॉपीज निकालनी है, आई विल सेट 10 कॉपीज। देन कलेक्ट, कलेक्ट की ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 कॉपीज मिलेंगी, पहले वो फर्स्ट कॉपी के सारे पेजेस प्रिंट होंगे, फिर सेकंड कॉपी के सारे पेजेस प्रिंट होंगे और इसी तरह से आपके 10 सेट ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट निकल आएंगे। तो ये आपके सारी ऑप्शंस थी जो हम प्रिंटिंग में नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेटिंग्स करने के बाद ओके कर देते हैं और प्रिंटर पे प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब एक और ऑप्शन डिस्कस करते हैं, प्रिंट, प्रिंट में जाकर के प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ये क्या है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए प्रिंटिंग से पहले आपको अपने पेज का प्रीव्यू लेना है कि आपका पेज किस तरह से नजर आता है, तो आप क्या करते हैं अपने पेज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसा नजर आएगा प्रिंटिंग के टाइम, एक्चुअल जो आपका प्रिंटिंग है उसका प्रीव्यू है ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन्स पेज के लिए सेट कर सकते हैं, ये देखिए ये डिफरेंट मार्जिन्स हैं, ये इस तरह से कौन सा मार्जिन आपको सेलेक्ट करना है अपने पेज के लिए। फिर आप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि पेज की प्रिंटिंग आपकी लैंडस्केप होगी या फिर पोर्ट्रेट होगी, किस तरह से प्रिंटिंग देना चाहते हैं। फिर साइज, आप प्रिंटिंग के लिए पेपर का कौन सा साइज लेना चाहते हैं, नॉर्मल जो डिफॉल्ट साइज होता है वो A4 साइज होता है। ओके, तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं हमारी इस तरह से, 1 पेज 2 पेज। अब एक पेज पर आप कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, सिंगल एक पेज पर एक ही पेज प्रिंट होता है, ये आपको यहाँ डिस्प्ले कितने होंगे, 2 पेजेस एट अ टाइम या 1 पेज एट अ टाइम, ये वो चीज है, ठीक है। 1 पेज, मुझे 1 पेज चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। अब चलिए आप इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो क्लोज प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, वापस वहीं आ जाएंगे जहां से हम आए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है
प्रिंट के साथ आपको, सॉरी मैंने ये डायलॉग बॉक्स ओपन किया, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहती थी प्रिंट के साथ और ऑप्शंस हैं। एक और है क्विक प्रिंट। अब ये क्विक प्रिंट क्या है बेटा? क्विक प्रिंट में जस्ट सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस, मतलब क्विकली प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ऑटोमेटिकली। तो क्विक प्रिंट में आप क्या करते हैं, जब आपको एकदम से डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है देन यू कैन सेलेक्ट क्विक प्रिंट। ओके चलिए इसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है? हाइपरलिंक। अब देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक होता है टू पेजेस को, दो फाइल्स को आपस में इंटरलिंक करने के लिए हम अपने पेज पे हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैं एक लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब क्लिक करना है। इंसर्ट टैब से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लिंक्स की ऑप्शन, लिंक्स आपको गिवन है, लिंक्स ग्रुप गिवन है, यहाँ से आप हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए। हाइपरलिंक में आपसे यहाँ एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है कि आप क्या एड्रेस देना चाहते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसका पाथ दीजिए, अदरवाइज सिंपली जस्ट सेलेक्ट एनी फाइल फ्रॉम दीज पर्टिकुलर फाइल्स। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइल को सेलेक्ट करना है और वो पर्टिकुलर फाइल जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी। चलिए चलते हैं इस लिंक पे क्लिक करते हैं। सपोज ये है वो फाइल और जो ओपन होगी, अब मैं यहाँ ओके करती हूँ। अब देखिए आपने देखा कि ये लिंक ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में अवेलेबल है। अब जैसे ही आप इस पे कर्सर प्लेस कर रहे हैं तो ये आपको शो कर रहा है कि कंट्रोल के साथ इस लिंक को फॉलो कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और माउस पॉइंटर, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो माउस पॉइंटर हैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जो माउस पॉइंटर है वो हैंड की शेप में कन्वर्ट हो रहा है बार बार। मैं कंट्रोल की को रिलीज कर रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ, जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं कंट्रोल की को, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो वो लिंक जो है ऑटोमेटिकली विजिट हो जाएगा। देखिए अभी वो फाइल ओपन हो जाएगी जो हमने अभी भी यहाँ पे सेलेक्ट की थी, लिंक के थ्रू प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। Yes, the file has been opened for you. Yes, this is the file which I have linked with this hyperlink. Automatically open हो गई है। चलिए अब इसको यहाँ से close करते हैं। I think आपको ये hyperlink जो है clear हो गया है। चलिए एक एक चीज और बताती हूँ आपको, इस hyperlink को remove कैसे करना है। Suppose आपको इसे remove करना है तो again select कीजिए लिंक्स टैब से हाइपरलिंक पे विजिट कीजिए, देन रिमूव लिंक, और आपने उस हाइपरलिंक को रिमूव कर दिया। सो दीज आर द स्टेप्स टू रिमूव द हाइपरलिंक। ओके चलिए बेटा आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक है। हाइपरलिंक आपको करने हैं, प्रिंट ऑप्शन, और क्या किया आज हमने, फॉर्मेट पेंटर आज हमने सीखा कैसे हम फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन को यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे एमएस वर्ड की फीचर्स हैं जो हम हर रोज कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये सारी वर्ड की फीचर्स हैं। इनको अच्छे से कीजिए, इनके स्टेप्स आप लर्न कीजिए। ओके बाय बाय बेटा।